खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। तो दोस्तों आ गई है हरियाणा के शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, मगर परेशानी यह है कि वक्त है थोड़ा कम। दरअसल हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षित बेरोजगारों के लिए चलाई जा रही योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हरियाणा रोजगार विभाग की ओर से शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई गई है। इसके तहत हर साल की तरह इस साल भी 1 नवंबर से सरल पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए शिक्षित बेरोजगार 30 नवंबर 2023 की शाम 5 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय में या फिर सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए दस्तावेज जमा करा सकते हैं। बेरोजगार भत्ते के लिए आवेदन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों के लिए पात्रता की कई शर्तें रखी गई है, जिसमें आवेदकों का हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा उसकी उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। 12वीं पास होने के साथ साथ उसके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। इसके साथ ही उसके परिवार की सालाना इनकम भी 3 लाख से कम होनी चाहिए। साथ ही बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदनकर्ता के पास अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए। हरियाणा सरकार के बेरोजगारी भत्ते की योजना के मुताबिक पढ़ाई पूरी कर चुके वो युवा जो अभी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बेरोजगारी भत्ते का लाभ आवेदक को तब तक दिया जाएगा जब तक वो आवेदक किसी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी से ना जुड़ जाए। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हर महीने 900 रुपये दिए जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी भी जान पहचान में कोई ऐसा इंसान है जिसे इस भत्ते की जरूरत है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें।